बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एचपीजी एंटरप्रेन्योर्स पॉडकास्ट नंबर 5। एचपीजी स्टैंड्स फॉर हेल्प बिल्ड एंड ग्रो एंटरप्रेन्योर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट रेवेन्यू, पैसा। और आज इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करेंगे या जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस या जो नॉलेज या जो लर्निंग्स है आपसे शेयर करूंगा, वो इस एंगल से शेयर करूंगा कि अगर आप बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, अपना स्टार्टअप बिल्डअप करने जा रहे हैं, तो जो उसकी पहली फाउंडेशन है कैपिटल होना, बल्कि रेवेन्यू को नहीं हम बात करेंगे, कैपिटल वर्ड दैट विल बी मोर इफेक्टिव। कैपिटल का मतलब है कि सरमाया, कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना सरमाया है भी या नहीं है, नहीं है तो कैसे आप अरेंज कर सकते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर और हमारी कम्युनिटी के अंदर जो ऑनलाइन स्टेप इन करते हैं, वो इसलिए स्टेप इन करते हैं, दे वॉन्ट टू अर्न मनी, पैसा कमाना चाहते हैं ऑनलाइन मीडियम से, और क्विक, राइट, और ज्यादा। लेकिन अच्छा, लेकिन पे बाद में आएंगे। और कमाना क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि इनके पास नहीं होता, राइट। दे वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम द जोन, जिस जोन के अंदर ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और उनको नजर आता है, दिखाया गया होता है या किसी को देखा होता है कि जनाब फला बंदा फला फील्ड के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर या ब्लॉगिंग के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर जो है वो बहुत पैसा कमा रहा है, और उनको नजर आता है कि जनाब देयर इज अ पोटेंशियल इन इट, और हम भी जो है ये काम कर सकते हैं, और वो भी इसी सोच से आते हैं कि जनाब हम भी पैसा कमा लेंगे और अब पूरी एफर्ट लगाने को तैयार है, और लगाएंगे भी और लगाते भी हैं अक्सर लोग, लेकिन इवन देन रिजल्ट्स नहीं आते। और उसका जो मेजर फ्लॉ है वो जो माइंडसेट है वो, कि जब आप इस माइंडसेट से आते हैं कि मैंने पैसा कमाना है, और आपके फाइनेंशियल्स भी बेहतर नहीं होते हैं, और आपका जो प्रॉब्लम ही होता है सारी, वो कहते हैं ना आपकी सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही पैसा होता है, और आपको नजर भी यही आ रहा होता है कि सारे सॉल्यूशंस पैसे के अंदर हैं, तो कैसे हो सकता है कि आप उस पैसा जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं उनमें उसमें से कुछ निकाल के इन्वेस्ट करें। बात समझ रहे? जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है या बिजनेस में लगाने वाला पार्ट है वो तब तक नहीं होगा जब तक आपका माइंडसेट, आपकी अप्रोच चेंज नहीं होगी। आप जब इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि पैसा ही मैंने कमाना है और पैसा ही मेरी प्रॉब्लम्स का हल है, तो अगर आप ज्यादा भी कमाएंगे तब भी आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप कम कवर कमाएंगे तब तो वैसे ही आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। सो और जो इन्वेस्ट नहीं करते वो ग्रो नहीं करते, वो सर्वाइव नहीं करते, और जो है वो फिर बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं या उनका काम फ्लॉप हो जाता है। और एक इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या पार्ट है दैट इज लर्निंग, कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और किससे सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। क्या आपके पास मेंटर्स हैं, क्या आपके पास ट्रेनर्स हैं, क्या आपके पास कोचेज हैं, राइट, क्या आप टॉप से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये अपडेट करूंगा बेस्ट के बारे में। तो जो मैंने चीज नोट की है और देखी, और मैं भी खुद इस जोन से गुजरा हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब रेवेन्यू पार्ट रहा है उस रेवेन्यू पार्ट के अंदर ग्रोथ बहुत कम रही है, इन द सेंस कि यार पैसा ही कमाना है। जब पैसा कमाना है तो फिर बंदा कहता है यार क्यों मैं इसमें लगाऊं $10, $50, $100, क्यों ट्रेनिंग में लगाऊं, क्यों टूल्स में लगाऊं, क्यों सॉफ्टवेयर्स में लगाऊं, क्यों मैं जो है इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि मैंने तो पैसा कमाना, अगर लगा दूंगा तो फिर मुझे पास कहां से आएगा। और बिजनेस आपको पता है ग्रो कब करते हैं, स्टार्टअप्स कब बिल्डअप होते हैं, या आपके कैरियर्स कब ग्रो करते हैं, जब आप उसको फ्यूचर के एंगल से देखते हैं, जब आप उसको लॉन्ग टर्म देखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि अगर मैं $100 इन्वेस्ट करता हूँ, राइट, सो उस $100 की बुनियाद पे मेरी लर्निंग्स कितनी होंगी, उन लर्निंग्स को मैं कितना मल्टीप्लाई कर सकूंगा, उस नेटवर्क को मैं ज्वाइन करूंगा जहाँ पे और भी मेरी तरह के लोग हैं
जो एक्सपेंड कर रहे हैं, लर्निंग्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो टूल्स एंड रिसोर्सेज मुझे रिक्वायर्ड हैं उनको मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उनके अंदर अपने पोर्टफोलियो को, अपने सिस्टम को बिल्डअप कर सकता हूँ, और जो मैंने काम किया है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर से, मतलब 7-8-10 साल हो गए होंगे, आई डिड नॉट स्पेंड मनी ऑन माई सेल्फ, आई इन्वेस्टेड देम इन द लर्निंग, इन द टूल्स और इन द टेस्ट एंड ट्रायल्स. मतलब हाँ, अभी रिसेंटली हम बैठ के बिजनेस को एनालाइज कर रहे थे तो ये नजर आया कि जनाब हमने पैसा निकाला कहाँ है, हमने तो जितना कमाया उतना ही बिजनेस में ही हम जो है ना डालते जा रहे हैं और डालते ही गए. सो बैंक माइट बी नॉट दैट गुड लेवल बट द रिसोर्सेज एंड द इन्वेस्टमेंट पार्ट इज एट द पीक. वो जो लर्निंग, जो मेंटर्स को 2-2 लाख 2.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट की है, उनके साथ जो उस नेटवर्क्स में गए, जहां पे एक जमाना था कि $1 कमा लेते थे तो खुश होते थे, जो हम में से भी अक्सर लोग होते होंगे, राइट. अब वो जमाना आ गया जहां पे महीने का $1 लाख विजन आपका बन गया है. वो कैसे, वो कहां, वो इन्वेस्टमेंट करके, वो लर्निंग करके, वो ग्रोथ करके, वो टेस्ट एंड ट्रायल से गुजर के, वो सेल्स फनल से गुजर के, राइट, वो लैंडिंग पेजेस पे देख के कि किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं, क्यों बाय कर रहे हैं, कहाँ से बाय कर रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है, क्यों फ्री ट्रायल्स क्यों दे जा रहे हैं, लीड मैग्नेट्स किस तरह के कन्वर्ट हो रहे हैं, वेबिनार्स पे क्या हो रहा है, वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग अ लॉट. सो जो बात हम कर रहे थे, कैपिटल की बात कर रहे थे, तो दोस्तों एक चीज को समझें, अगर आपने बिजनेस बिल्डअप करना है तो आपको पैसा चाहिए होगा उसको बिल्डअप करने के लिए. या तो आप पैसा लेके आए, या कोई इन्वेस्टर लेके आए, या ऐसे काम करें जिससे आप पैसा जनरेट कर सकें. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कि जनाब मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ या मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी. गलत. जो भी आपको ये फलसफा या कहानी समझा रहा है ना, उसको पता नहीं है बिजनेस हाउ इट वर्क्स. जो आप टाइम दे रहे हैं, जो आप बिजली इस पे लगा रहे हैं, जो आप इंटरनेट उस पे लगा रहे हैं, ठीक है, और जो इसके साथ साथ जो आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है, ये सारी चीजें भी आपकी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है. विदाउट कंप्यूटर, विदाउट मोबाइल, विदाउट इंटरनेट, डू द ऑनलाइन बिजनेस एंड टेल मी इफ यू कैन डू इट. नहीं कर सकते ना, राइट. तो समझने की चीज है, ये सारी चीजें हम काउंट नहीं करते हैं. जब आप काउंट करेंगे आपको पता चलेगा आप क्या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप उसकी कदर भी करेंगे और उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना शुरू करेंगे. जब आपको ये पता होगा, जब मैं इंटरनेट का मैं बिल दे रहा हूँ 2000 रुपए, और ये जो बिजली की खर्च हो रही है, ये एसी के रूम में बैठा हूँ या जो हीटर लगा के बैठा हुआ हूँ, सारा कुछ तो इसके अंदर ही सारा हो रहा है, और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठा हुआ हूँ, या मैं फेसबुक पे किसी की जो है ना वो सक्सेस को देख रहा हूँ, या किसी के जो है ना डिस्कशन में बैठा हुआ, तो आपको रियलाइजेशन होगी वेयर आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड वॉट आई एम डूइंग. फिर आपको कदर जानेंगे ना, जब आप उसको एनालाइज करेंगे. जब आप ये कहते हैं नहीं यार घर का इंटरनेट तो घर वाले देते हैं, या वो तो अलग ही है, तो वो जब आप उसको बिजनेस में नथिंग नहीं करेंगे तो फिर आप बिजनेस भी नहीं ग्रो कर सकेंगे. तो कहने का बात ये है कि जनाब, और उसके साथ साथ आपने ब्रेड एंड बटर भी चलाना है, ठीक है. आपने, अगर आपके पास जॉब नहीं है, या आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो सारी चीजें कैसे चलाएंगे. तो इसलिए बिजनेस से पैसा कमाने के बारे में सोचने से पहले ये सोचें कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा. दोबारा कहता हूँ, बिजनेस से पैसा कमाने से पहले ये चीज सोचें कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा. क्योंकि जब तक बिजनेस नहीं चलेगा तो वो फिर कमा के भी आपको नहीं देगा. और ये अक्सर मैं कहता हूँ कि लोगों का अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ होता, या अभी 2 महीने 6 महीने साल हुआ होता, वह कहते एक्सपेक्ट कर रहे होते कि वो उनको $100 और $1000 कमा के देगा. बात समझ रहे. और फिर ये एनालाइज करें कि आपके स्टेप्स क्या होंगे. जो मैं रोड मैप अक्सर जिक्र करता हूँ कि आपका रोड मैप क्या होगा. फ्रीलांसर्स माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमाते हैं और उड़ा देते हैं. व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग द टीम्स, व्हाई डोंट यू हायर द रिसोर्सेज, why don't you buy the tools, why don't you try to multiply your time and resources and energy to generate 10x or 5x or 1x of your current income in the same time duration. ye tab tak nahi hoga jab tak aap sochenge nahi, okay. aur ek cheez main aapko bata dun, ye likh le,
यहीं पे लिख ले, आपको याद रहेगी, और इसको जो है ना सामने तख्ती बना के सामने रख ले या घोल के पी ले। इट इज नॉट अबाउट कि आप पैसा कितना कमा लेते हैं, ठीक है, इट इज ऑलवेज एंड विल गोइंग टू बी अबाउट कि आप कितनी देर तक इस रेस में रहते हैं। बात समझ रहे? ये नहीं है इम्पोर्टेंट कि आज आप पैसा कितना कमा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस रेस में कब तक रहते हैं। वो कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, ये क्या कहते हैं, ठीक है, इसी तरह का कुछ है, राइट। क्योंकि जो लंबी रेस का घोड़ा होता है वो बहुत टेक्निकल चलता है, क्योंकि अल्टीमेट गोल होता है विन करना, क्योंकि जितना देर तक वो रहेगा उतने चांसेस उसके हैं विन करने के। दैट इज वाई गैरी वीज एंड द टॉप एंटरप्रेन्योर्स लव द प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स। एलन मस्क जो है वो मार्स पे जाने की जो बात करता है, पता नहीं वो उस टाइम पे जिंदा होगा कि नहीं होगा, या वो जो आइडिया कर रहा है, बट वो प्रोसेस के ना भी जिंदा हो तब भी उस प्रोसेस के अंदर वो जो बन गया है, बन जाएगा, चीजें बना रहा है, वो जो वो टनल का उसका प्रोजेक्ट है कि जो है आपके जमीन के नीचे गाड़ियां मूव कर रही हैं लिफ्ट के थ्रू, राइट। वो जो प्रोसेस है ना वो भी एंटरप्रेन्योर को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। बट इन सारी चीजों के लिए अगेन कैपिटल, ही गॉट द कैपिटल, ही गॉट द फंड्स, ही गॉट द इन्वेस्टर्स, जिसके तहत ये चीजें वगैरह वो कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप कि बिजनेस मुझे कमा के देगा। देगा जरूर, बट जब वो बन जाएगा, जब स्टेबल हो जाएगा या उस लेवल पे पहुंचेगा, बट जब तक नहीं बना तब कहाँ से पैसा आएगा। इसके बारे में जरूर सोचें और इसके लिए वर्क करें। इसके लिए आपको शायद इंटर्नशिप करनी पड़ जाए, इसके लिए जॉब करनी पड़ जाए, इसके बाद इसके लिए आपको जो है ना कुछ ऐसे काम करने पड़ जाए, या कुछ ऐसे क्लाइंट्स को रिटेन रखना पड़ जाए, या उनके साथ वर्किंग करना पड़ जाए जिनसे शायद नहीं करना चाहते, बट करना पड़ेगा। ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा अपने फ्यूचर की खातिर। और अपने आप को एनालाइज करें, मेरी बातें किसी और की बातें हर किसी की ठीक होंगी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली हो सकता है वो बातें आपके अकॉर्डिंगली ठीक ना हो। तो हर चीज को जाने, देखें, परखें, अपने तौर पे एनालाइज करें आपके लिए क्या राइट है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, राइट। So hopefully it gives you an idea that capital is very important and you need to focus on that part. और अगर आप उस capital part को सही कर लेते हैं तो फिर आप business पे जिस effort से, जिस mindset से जाएंगे, उसकी growth ही एक different होगी, right? Okay, thanks for listening it. और अपनी feedback जरूर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसको share भी कीजिएगा। HBG Entrepreneurs is here to help you become a good entrepreneur so that you can serve many peoples around you and create the products and services that humans need. Thank you. Take care. Allah Hafiz.